आज मैं आपके लिए लाई हूँ पनीर रोल की रेसिपी। आइए देखते हैं मैंने इसके लिए क्या लिया है। ये मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर, एक शिमला मिर्ची जिसको मैंने ऐसे चॉप कर लिया हैगा, प्याज इसको भी मैंने ऐसे चॉप किया हैगा रिंग शेप में, और एक टमाटर है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टमाटो केचप का पैकेट, ये आप मेजरमेंट के हिसाब से 2 चम्मच भी लगा सकते हैं, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस और वेनेगर। मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्ची पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च ये टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने लिया हैगा ऑयल, ऑलिव ऑयल, 1 बाउल मैदा, 1/4 बाउल आटा और 1/2 कप गुनगुना दूध। अब हम अपने डो को मिक्सर डो में तैयार करते हैं, तो इसमें डालते हैं हम, इसमें डालेंगे हम अपना 1 कप मैदा, इसी में हम डालेंगे आटा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे सॉफ्ट सा, इसको हमें बिल्कुल रोटी की तरह सॉफ्ट रखना है, ना उससे ज़्यादा हार्ड रखना है और ना इससे ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल रोटी के जैसा डो तैयार करना है हमें। इससे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसको मिक्स करके एक डो तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, हमें इस इतना ही रखना है इसको। अब हम इस पे लगाएंगे 1 चम्मच ऑयल का, इसको अच्छे से चारों तरफ से लगा करके हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लगा लिया है हमने इस पे अच्छे से ऑयल, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे कवर करके छोड़ देंगे। स्टफिंग रेडी करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो फ्रेंड्स चॉप करके भी डाल सकते हो, मैंने ये बाजार का रेडीमेड डाला है। जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए इसी में हम डालेंगे अपने प्याज। प्याज को हमें ज्यादा सॉटी नहीं करना है, इसको सिर्फ थोड़ा सा ही ट्रांसपेरेंट होने तक ही करना है, इसको भूनना है। बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर सॉफ्ट हो गए इसके लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची। अब हम इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपना मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्ची, चाट मसाला डालेंगे हम इसमें अपने मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर फ्रेंड्स टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप, अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है
आप ज्यादा डालिएगा, अगर तीखा कम पसंद है तो उसमें डालिएगा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हमारे मसाले भून गए होंगे, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1/2 चम्मच वेनेगर, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। ये अपना हम डाल देंगे केचप का शेष। अब इसको अब हम अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इन सब सॉस को पका लेंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर नमक आप देख के डालना, क्योंकि इन सब सॉस में भी नमक होता है, तो आप टेस्ट कर देना अपने पनीर को डालने के बाद, तभी इसमें नमक डालना। ये मसाला हमारा पक गया हैगा, अब हम इसमें मिलाएंगे अपने पनीर के पीसेस। इसको हम बहुत अच्छे से इसमें कोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये केयरफुली करना, नहीं तो हमारे पनीर के पीसेस टूट जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया हैगा। ये अब हम अपनी गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यह हमारे डो को रखे हुए 15 मिनट हो गए होंगे। अब हम इसमें ऐसे लोच लगा लेंगे अच्छे से। लोच लगाने के बाद इसकी हम लोई तोड़ लेंगे। हमें इसकी लोई रोटी से थोड़ी सी मोटी बड़ी तोड़नी है, क्योंकि हम इसका रोल बनाएंगे तो हमें इसकी बड़ी बड़ी बेली हुई रोटियां चाहिए, तो इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके ऐसे करके हम इसको रोल कर लेंगे, बिल्कुल जैसे रोटी के लिए करते होंगे बिल्कुल वैसे ही हम इसको रोल कर लेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे रोटी। ये सूखे आटे में हम इसको लगाएंगे इस पे और इसको अब हम अच्छे से बेल लेंगे। इसको हमें पतला बेलना है, इसको ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, इसको सही से ही बेलना है। इसके किनारों को दबाते हुए इसको बेलना है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच पतला हो जाए और किनारे इसके मोटे रह जाए। हमें इसे इक्वल करके बनाना है। ये देखिए, इसी तरह हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और हम अपने तवे पे इसको डाल देंगे। देखिए, इसको हमें दोनों साइड से पकाना। ये देखिए, इस पे कैसे बुलबुले से उठ गए हैं। अब हम इसे पलट देंगे। इधर से हमारी ये रोटी पक गई है, इधर की साइड हम लगाएंगे इस पे तेल। तेल, घी, जो भी आप फ्रेंड्स आप लगाना चाहो, मैं यहाँ लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप चाहे तो इसको देसी घी में भी बना करके खा सकते हो। बस अब हम इसे पलट देंगे, अपनी दूसरी साइड भी लगा लेंगे। ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना हैगा, इसको बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रखना। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा रोल के लिए भी डाल देते होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए, ये हमारा सिक गया, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम अपना रोल बनाते हैं। इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें मेयोनीज और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा रेड केचप। इसको अच्छे से पूरे इस पे फैला लेंगे।
आप चाहे तो फ्रेंड्स, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो इसकी जगह आप शेजवान चटनी या हरी चटनी, आप इस पर कुछ भी स्प्रेड कर सकते हैं। ये रहे। अब हम इसमें लगाएंगे अपनी ये स्टफिंग। इसको हम ऐसे लंबे उसमें रखेंगे। इसके ऊपर से हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, थोड़े से ऑनियन, अब देखिएगा फ्रेंड्स इन्हें खा करके बहुत ही यम्मी लगता है। इसको हम इस तरीके से रोल कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना यम्मी देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यम्मी सा क्रिस्पी सा रोल तैयार है। अब हम इसी तरीके से अपना दूसरा रोल तैयार कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे यम्मी से रोल रेडी होंगे। आप इन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। आप इसे चाहे तो चटनी से, केचप से, किसी से भी खा सकते होंगे। आप ये रोल बना करके घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसे लगे होंगे आपको। थैंक यू फ्रेंड्स।